गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में पढ़ा था। कल आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रूट के पढ़े, ठीक है। तो आज आप क्या पढ़ेंगे, रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ रूट जो है उसमें कितने पार्ट होते हैं, टिपिकल रूट में 4 रीजन्स होते हैं, ठीक है। ये जोन्स में डिवाइड किए गए हैं। ये एपेक्स से बेस की ओर कैसे प्रेजेंट होते हैं, पहले तो रूट कैप प्रेजेंट होती है, जो एपेक्स होती है रूट कैप की, वहाँ रूट की जो टिप होती है उसके एपेक्स बोलते हैं, दैट इज कवर्ड बाय अ कुशन। वहाँ पे थिन वॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, थिन वॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम रूट कैप बोलते हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, जो रूट एपेक्स है वहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम रूट पॉकेट बोलते हैं, ठीक है। जनरली जो रूट की टिप होती है दैट इज कवर्ड बाय थिन वॉल स्ट्रक्चर्स एंड दो सेल्स आर कॉल्ड रूट कैप, ठीक है। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में हम रूट कैप नहीं बोलते, हम उनको वहाँ पर रूट पॉकेट बोलते हैं। रूट कैप का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द रूट अपेक्स, ठीक है। क्योंकि रूट अपेक्स जो होती है यही मेन ग्रोइंग पार्ट होता है किसका, रूट का, ठीक है। पहला जो जोन है, पहला जो रीजन है वो कौन सा है रूट स्ट्रक्चर ऑफ रूट में, रूट कैप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो रीजन आता है दैट इज द जोन ऑफ सेल डिविजन, या उसको हम रूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। ये रूट कैप के पीछे वाला रीजन होता है, ये मेन ग्रोइंग रीजन होता है रूट का, जहाँ से एक्टिव सेल्स डिवाइड करते हैं। ये रीजन जो होता है ये फ्यू मिलीमीटर्स होता है लेंथ में, ठीक है। उसके बाद जोन ऑफ सेल डिवीजन के बाद पहला रूट कैप आता है, दूसरा जोन ऑफ सेल डिवीजन आता है, या रूट एपिकल मेरिस्टम उसको बोलते हैं, और थर्ड वन जो वो आता है जोन ऑफ इलांगेशन। ये जोन ऑफ इलांगेशन जो होता है ये 1 to 10 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। जोन ऑफ सेल डिवीजन जो होता है वो फ्यू मिलीमीटर्स के होते हैं, लेकिन 1 to 10 मिलीमीटर लेंथ किसकी होती है, जोन ऑफ इलांगेशन वाले रीजन की। यहाँ पे रैपिड इलांगेशन होती है सेल्स की, यहाँ पे सेल्स डिवाइड करते हैं, और यही डिवीजन की वजह से ही सेल की क्या होती है, इस रीजन की क्या होती है, ग्रोथ होती है लेंथ में। रूट बढ़ता है, रूट ग्रो करता है किसकी वजह से, जब जोन ऑफ इलांगेशन में सेल रैपिडली डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जोन ऑफ मैचुरेशन जो है ये 4th जोन है इसका, ये 1 to several सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है ना। यहाँ पर सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, फाइनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वहाँ से क्या निकलते हैं, रूट हेयर्स निकलते हैं। रूट हेयर्स क्या करते हैं, दीज आर द मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ रूट, जो कि एब्जॉर्बेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए हम इस रीजन को रूट हेयर जोन भी बोलते हैं। जोन ऑफ मैचुरेशन को हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर जोन। आप याद रखेंगे फर्स्ट रूट कैप है, सेकेंड है जोन ऑफ सेल डिवीजन, थर्ड है जोन ऑफ इलांगेशन, एंड फोर्थ है जोन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है, जहाँ पे फाइनली डिवीजन कंप्लीट होती है। ये देखिए पहले रूट कैप है स्ट्रक्चर में, फिर उसके बाद जोन ऑफ इलांगेशन है, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी है, जोन ऑफ इलांगेशन है, और रीजन ऑफ मैचुरेशन है। रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स। पहले होता है रूट कैप, रूट के बाद दूसरा रीजन जो होता है वो सेल डिवीजन का रीजन होता है, फिर इलांगेशन का रीजन होता है, और रीजन ऑफ मैचुरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए रीजन जो रूट कैप का है, सबसे पहले वहाँ पे मल्टी सेलुलर कैप होती है, जिसको हम रूट कैप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल्स जो होते हैं रूट कैप में वो सिक्रीट करते हैं म्यूसिलेज, ताकि ल्यूब्रिकेशन मिल सके। किसको, रूट को। जब वो कहाँ से पास होता है, जब वो सॉइल के अंदर जाता है, वहाँ पे रूट कैप सिक्रीट करते हैं म्यूसिलेज, लिक्विड सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से रूट जो है वो डीप जाता है कहाँ पे, सॉइल में, ठीक है। हाँ, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में रूट कैप की जगह क्या प्रेजेंट होता है, रूट पॉकेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पहला रीजन था रूट, रीजन ऑफ रूट कैप। दूसरा आपने क्या पढ़ा, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, या उसको हम मेरिस्मेटिक रीजन बोलते हैं। यह ये ग्रोइंग रीजन होता है, यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट होती है,
ये है मेरिस्मेटिक सेल्स। पर सेल जोन ऑफ या रीजन ऑफ सेल डिवीजन में कौन से सेल्स होते हैं? मेरिस्मेटिक सेल्स, जिनका पावर ऑफ डिवीजन होता है। इसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर ऐसे रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, ये मेरिस्मेटिक रीजन से ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे नए नए सेल्स बनते हैं और वो इलोंगेट होता जाता है, इसकी वजह से लेंथ रूट की बढ़ती जाती है। उसको हम एरिया ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं या रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। इस रीजन में क्या होता है, एरिया ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, वहाँ पे एब्जॉर्बेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट होता है, ठीक है। सेकेंड, एरिया ऑफ रीजन ऑफ सेल डिवीजन में मेरिस्मेटिक सेल्स कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जो होती है वो बढ़ती जाती है। ऐसे रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, एब्जॉर्बेशन ऑफ मिनरल्स साल्ट होती है और इसके वजह से लेंथ जो होती है रूट की वो बढ़ती जाती है, ठीक है, क्योंकि मेरिस्मेटिक सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ऐसे रीजन ऑफ रूट हेयर या रूट एब्जॉर्बेशन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये वो एरिया है जहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से एपिडर्मल सेल से क्या निकलते हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स इलोंगेटेड होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये किसके साथ अटैच रहते हैं, रूट हेयर्स हमारे सॉइल के साथ अटैच रहते हैं। रूट हेयर इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ताकि एब्जॉर्बेशन ज़्यादा हो सके। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और नए नए रूट हेयर बनते हैं। रूट हेयर गिरते हैं फिर नए बनते हैं, 10 से 15 दिन में नए रूट हेयर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे ही रूट हेयर्स डेवलप होते हैं और रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर के एब्जॉर्बेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही रीजन मैचुरेशन का है या सेल डिफरेंशिएशन का है, ये मेजर पार्ट होता है रूट का। इसका आउटर मोस्ट रीजन जो होता है वहाँ पे इम्परमीएबल सेल्स, इम्परमीएबल मतलब जो जहाँ से कोई भी चीज़ पास नहीं होती है। यहाँ पे जो सेल्स इलोंगेट होते हैं उनमें डिफरेंशिएशन होती है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी रूट टिश्यूज़ बनाते हैं जैसे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम वगैरह बनाते हैं। यहाँ से ये रीजन हेल्प करता है प्लांट को फिक्सेशन में, किस में, सॉइल में। और यहाँ से वाटर एब्जॉर्बेशन, कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस होती हैं। यहाँ से ही लेटरल रूट जो होते हैं, रूट ऑफ सेल डिफरेंशिएशन या रूट ऑफ रीजन ऑफ मैचुरेशन से डेवलप होते हैं। क्या लेटरल रूट्स डेवलप होते हैं आप याद रखेंगे, ठीक है। डिफरेंट रीजन्स है कि रूट कैप वाला है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन है, इलोंगेशन है या रूट हेयर रीजन है, यहाँ या रीजन ऑफ कौन सा है, सेल डिफरेंशिएशन या उसको हम रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलते हैं। ये डिफरेंट क्या है, इसके रीजन्स है इसके रूट के, ठीक है। रूट कैप, जोन ऑफ सेल डिवीजन, इलोंगेशन जोन एंड मैचुरेशन जोन एंड रूट हेयर जोन, ठीक है। दैट्स एंड ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू।